मथुरा रिमॉडलिंग को लेकर आगरा रेल यात्रियों को भी होगी असुविधा। 27 दिसंबर से 5 फरवरी तक कई ट्रेन की गई निरस्त। करीब 70 दिनों तक मथुरा जंक्शन पर होगा कार्य। कार्य के चलते 297 ट्रेनें होंगी प्रभावित। करीब 234 ट्रेनों को अलग अलग तिथि पर किया गया निरस्त। कई ट्रेनों के बदले गए रूट। मथुरा यार्ड रिमॉडलिंग का जो काम है इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काम है। पिछले बहुत सालों से ये काम की प्लानिंग की जा रही थी। अब 27 दिसंबर से 5 फरवरी तक इस काम को लगभग 70 से ज्यादा दिनों तक इस काम को एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिससे मथुरा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंप्रूवमेंट होगा रेलवे की नज़र से। इससे रिलेटेड ये काम को पूरा करने के लिए कुछ कुछ गाड़ियों का को निरस्त किया गया है, या आंशिक रूप से निरस्त किया गया है या डाइवर्ट किया गया है। हम लगातार इन ट्रेनों की जानकारी दे रहे हैं। लगभग 200 से भी अधिक गाड़ियां जो अफेक्टेड हैं, पर ये गाड़ियां एक साथ निरस्त नहीं की जा रही हैं। हर दिन एवरेज 4 से 5 गाड़ियां ही निरस्त करी जाएंगी या डाइवर्ट करी जाएंगी। आगरा कैंट को छोड़ते हुए आगरा किला डायरेक्शन से उनको निकाला जाएगा। साथ ही लास्ट के जो 15 दिन रहेंगे इसमें ज्यादा गाड़ियां इफेक्टेड रहेंगी। फिर भी रेलवे द्वारा कोशिश है कि कम स्पीड पे भी करके ज्यादा से ज्यादा गाड़ियों को निकाला जाए और कैंसिल नहीं किया जाए। यात्रियों को कैसे सूचना दी जाएगी कि उनकी ट्रेन जो है वो रद्द है या कैंसिल है या लेट है, उनको कैसे सूचना पहुंचा रहे हैं आप? इसको कई माध्यम से हम यात्रियों तक ये सूचना पहुंचाते हैं। सबसे पहले हमने पूरी डिटेल लिस्ट सभी मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई है। मीडिया के माध्यम से हम लगातार सूचना दे रहे हैं। रेलवे के सभी ट्विटर हैंडल से भी हम आने वाले 2-3 दिनों के जो निरस्तीकरण है या डाइवर्जन है उनकी जानकारी देते हैं। साथ ही जो पैसेंजर्स हैं जिनकी ट्रेन कैंसिल होती है या डाइवर्ट होती है उनको उनके मोबाइल नंबर पे SMS के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है। आने वाले 70 दिनों में जो कैंसिलेशन होंगे अगर आप टिकट करा रहे हैं तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप अपना सही मोबाइल नंबर दें जिससे आपको वो जानकारी मिल सके।